नमस्कार दोस्तों, मैं सशीष कुमार तिवारी स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सबों का इंडियन स्कूल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको जो कुछ भी बताने वाला हूं वो आपके नेटवर्क मार्केटिंग करियर के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आइए, बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार बहुत सारे नेटवर्क मार्केटर क्यों असफल हो जाते हैं, क्या कारण है कि नेटवर्क मार्केटिंग जैसा प्लेटफॉर्म मिलने के बावजूद भी बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में कामयाब नहीं हो पाते। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना चाहते हैं और आप सच में चाहते हैं कि आप इस इंडस्ट्री में असफल ना हो, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको चार ऐसी बातें बताने वाला हूं जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। इन चार बातों को अगर आप जान लेंगे तो डेफिनेटली आप नेटवर्क मार्केटिंग में असफल नहीं होंगे। पहली बात क्या है, आइए इसे जानते हैं। पहली बात यह है कि ऐसा दौर कभी नहीं आएगा, ऐसा वक्त कभी नहीं आएगा जब हर इंसान नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पॉजिटिव बात करेगा। अगर आज के रेट में जब कभी आप किसी को नेगेटिव बोलते हुए सुनते हैं, जब कभी आपको कोई नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नेगेटिव वीडियो मिलती है और आप बहुत परेशान हो जाते हैं, आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, आपका मूड खराब हो जाता है, आप काम नहीं कर पाते हैं और आप चिंतित हो जाते हैं और कई बार आप डर जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तो विश्वास कीजिए आपकी सफलता खतरे में है। क्यों? क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नेगेटिव बोलते रहेंगे। अगर आप नेगेटिविटी से परेशान हो रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि कभी तो ऐसा दौर आएगा जब सब पॉजिटिव बोलेंगे, तो याद रखिएगा कि ऐसा दौर कभी नहीं आएगा। क्योंकि हर इंसान किसी विचार से सहमत हो जाए यह जरूरी नहीं है। कुछ लोग कल भी नेटवर्क मार्केटिंग के लिए नेगेटिव थे, कुछ लोग आज भी हैं और कुछ लोग आगे भी रहेंगे। और होता कुछ यूं है ना कि बहुत सारे लोग जो पहले नेगेटिव थे, उनमें से बहुत सारे लोग को यह मानना था कि नेटवर्क मार्केटिंग चलेगी नहीं इंडिया में, ये सिस्टम तो बंद हो जाएगी, ये तो फ्रॉड है, यहां तो कोई अमीर ही नहीं बनता, यहां तो सब गरीब रहते हैं, यहां तो कोई कमाता ही नहीं, सब कुछ झूठ है। लेकिन हो क्या रहा है पता आपको, पिछले 25 वर्षों से ऐसे लोग हर रोज अब गलत साबित हो रहे हैं। हर रोज नेटवर्क मार्केटिंग में सैकड़ों हजारों लाखों लोग जुड़ रहे हैं, हर रोज बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बदल रही। अब रोज रोज जब कोई इंसान गलत साबित होगा तो वो कुछ ना कुछ तो उल्टा सीधा बोलेगा ही ना नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। इसलिए आपको इस बात से स्ट्रेस नहीं होना है, आपको टेंशन नहीं लेना है, आप मजे में रहिए और आप अपना काम कीजिए इस बात को समझते हुए कि ऐसा दौर कभी नहीं आएगा जब नेटवर्क मार्केटिंग के लिए हर इंसान पॉजिटिव बोलेगा। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको जान लेनी चाहिए वो ये है कि ऐसा दौर भी कभी नहीं आएगा जब हर एक इंसान जो नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ेगा वो कामयाब हो जाए। अगर आपको ऐसा लगता है कि कभी तो कुछ ऐसा होगा, कभी तो कुछ ऐसा प्लान आ जाएगा, कभी तो कोई ऐसा अजूबा होगा कि जितने लोग नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ेंगे वो सब कामयाब हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये नेचुरल नहीं है। हर इंसान में जीतने की, सफलता की उतनी प्यास नहीं होती, उतनी भूख नहीं होती, उतनी तड़प नहीं होती, उतना समर्पण नहीं होता, हर इंसान उतना त्याग नहीं कर पाता जितना सफल होने के लिए आवश्यक है। तो हर इंसान कभी सफल नहीं होगा। अगर आप ये सोचते हैं कि एक दिन ऐसा हो जाए कि असफलता की कहानियां ही ना मिले, एक दिन ऐसा हो जाए कि सबकी बोलती बंद हो जाए और हम दिखा पाए कि जितने लोग नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ते हैं सब सफल हो जाते हैं, तो आप बहुत बड़े मूर्ख हैं और फिर आपकी सफलता खतरे में है। याद रखिए कि लोग आपको असफल लोगों का एग्जाम्पल देंगे, अभी भी देते होंगे, आगे भी देंगे, और लोग कहेंगे मेरा भाई जुड़ा था उससे ना हो पाया, मेरी दीदी जुड़ी थी इनसे ना हो पाया, मेरे पिताजी जुड़े थे इनसे ना हो पाया, मेरे फ्रेंड जुड़े थे इनसे ना हो पाया। तो बहुत सारे लोग आपको असफल लोगों का एग्जाम्पल देंगे और आपको यह महसूस कराने की कोशिश करेंगे कि कोई सफल ही नहीं होता। हमेशा याद रखिएगा, समझदार वो लोग नहीं होते जो असफल लोगों का एग्जाम्पल देख के रुक जाए, बल्कि समझदार वो होते हैं जो सफल लोगों को खोजे, उनका एग्जाम्पल लें, उनकी जिंदगी के बारे में जाने, उनकी कहानियों को पढ़ें, उनसे सीखें, उनसे प्रेरित हो और अपनी जिंदगी में सफलता की नींव रख पाए। इसलिए आइंदे जब कोई भी आपको असफल लोगों के बारे में बताए तो चिंतित मत होइएगा, स्ट्रेस्ड मत होइएगा, टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि आप असफल होने के लिए पैदा नहीं हुए, आप सफल होने के लिए पैदा हुए। तीसरी बहुत बड़ी बात जो आपको जान लेनी चाहिए वो ये है, जो रुकता है उसे सब कुछ मिलता है। ये नेटवर्क इंडस्ट्री है साहब, ये नेटवर्क मार्केटिंग की सुनहरी दुनिया है, यहां रुकने वाले को सब कुछ दे दिया जाता है।
वही लोग यहां असफल होते हैं जो हार जाते हैं, छोड़ देते हैं, जो ये मान लेते हैं कि इस इंडस्ट्री में उनकी सफलता कभी नहीं हो सकती, वो कभी सफल नहीं हो सकते, उन्हें कुछ भी नहीं मिल सकता, तभी जाके वो लोग असफल होते हैं। जो इंसान संघर्षों के बाद भी टिका रहता है, जो इंसान दुखों और परेशानियों को झेलता हुआ भी इस इंडस्ट्री में विश्वास रखता है और चलता रहता है, उसे एक दिन वो हर चीज मिल जाती है जिसका सपना उसने लिया होता है। और कई बार तो उसे ऐसी चीजें भी मिलती हैं जिसका सपना उसने नहीं लिया था। कई बार उसके ऐसे सपने भी पूरे होते हैं जिन सपनों के बारे में उसने सोचा तक नहीं था। इसलिए इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि जो रुकता है उसे इस इंडस्ट्री में सब कुछ मिलता है। और चौथी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, एंड दिस वेरी इंपॉर्टेंट, ये तीन बातों को जानने के बाद, ये जो चौथी बात है, अगर ये नहीं जानेंगे फिर भी कभी ना कभी आप असफल होने के कगार पे खड़े हो जाएंगे। ये चौथी बात ये है कि इस इंडस्ट्री में सफलता किसी और के बदौलत नहीं मिलती, इस इंडस्ट्री में सफलता आपके बदौलत ही आपको मिलेगी। कई लोग अच्छे अपलाइंस खोजते रह जाते हैं, कई लोग को ऐसा लगता है कि कोई बहुत बढ़िया डाउनलाइन आ जाता तो मेरी जिंदगी में सफलता आ जाती। अगर आपको यह लगता है कि कोई बहुत मशहूर, कोई बहुत बड़ा अपलाइन मिल जाए तो आप सफल हो जाएंगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आपको यह लगता है कि कोई बहुत मशहूर, कोई बहुत टैलेंटेड डाउनलाइन आ जाए तो सफल हो जाऊंगा, तो भी ऐसा नहीं होगा। हमेशा याद रखिएगा कि दूसरे के भरोसे पे अगर आप सफल होने का सपना देख रहे हैं तो गलती से अगर आप सफल हो भी गए तो वो कुछ समय के लिए होगा, वो हमेशा के लिए कभी नहीं हो सकता। अगर आपको जिंदगी में हमेशा के लिए सफल होना है, अगर आप चाहते हैं कि अंतिम सांस तक आपकी सफलता बरकरार रहे, अगर आप चाहते हैं कि ऊपर उठने के बाद आप नीचे ना गिरे, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी में सफलता को कुछ इस तरीके से हासिल कर ले कि सफलता आपको छोड़ के जाने के लिए तैयार ना हो, तो आपको अपने ऊपर भरोसा करना होगा, तो आपको अपने ऊपर विश्वास करना होगा। अगर आप इस बात को नहीं समझेंगे तो जिंदगी भर आप इधर उधर भटकते रह जाएंगे, जिंदगी भर आप दूसरों पर निर्भर रहेंगे और आप कभी भी अपने शक्तियों को नहीं समझ पाएंगे और अपने पोटेंशियल से काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि कभी भी आप ऐसा मत सोचिए कि किसी और का सहारा मिल जाता तो मैं कामयाब हो जाता, बल्कि कुछ ऐसा कीजिए, कुछ ऐसा बनिए कि दूसरों को आप सहारा दे पाए। यही नेटवर्क मार्केटिंग की चार बातें अगर आज आप जान गए, अगर आज आपने समझ लिया, तो डेफिनेटली आप नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाबी का इतिहास रचेंगे। मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी और अगर आपको इससे जरा सा भी फायदा हुआ हो तो इस वीडियो को बिना लाइक किए, इस पे कमेंट किए और इसे शेयर किए मत जाइएगा। इसे जरूर और भी लोगों तक पहुंचाइए ताकि सब लोग इस बात को जान पाए और वो नेटवर्क मार्केटिंग में ना कामयाब ना हो बल्कि कामयाब हो। और हां, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग को और बेहतरीन तरीके से सीखना चाहते हैं, अगर आप इस इंडस्ट्री को बारीकी से समझना सीखना चाहते हैं और अपनी कामयाबी को सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो एक गुड न्यूज है आपके लिए। इंडियन स्कूल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग 22, 23 और 24 दिसंबर को आगरा के रेमेडा 5-स्टार होटल में अपना एक रेसिडेंशियल एमएलएम मास्टरी प्रोग्राम कर रही है। अगर आप इस प्रोग्राम को अटेंड करना चाहते हैं, अगर आप इस रेसिडेंशियल ट्रेनिंग सेशन को अटेंड करना चाहते हैं, तो अभी जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है उस पे कॉल करके अपनी सीट को बुक कर सकते हैं। बाकी बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जीतना सुनिश्चित है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स लॉट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।